प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी का कार्य पत्रक 31 करेंगे। अब तक बच्चों हमने 30 कार्य पत्रक कर लिए हैं, 30 वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने व्याकरण की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो ये वर्कशीटें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन वर्कशीटों में हमने व्याकरण की है, ग्रामर की है। तो बच्चों सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो बच्चों आज भी हम सीखेंगे व्याकरण, जिसमें हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का विषय है, क्रिया शब्दों को समझकर पठन लेखन में उपयोग कर पाना। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा को जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, बालक रोता है, तू गाता है। तो इन वाक्यों में लिखना, रोना, गाना, ये जो शब्द है वो क्रिया है। तो बच्चों क्रिया का अर्थ होता है जो भी अपने काम करते हैं वो सभी क्रिया है। ठीक है, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, गाना, काटना, बोना, लिखना, तो ये सभी काम क्रिया कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब समझ आ गया ना क्रिया क्या होता है, काम करने को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए और उसी शब्द से एक नया वाक्य बनाइए। तो बच्चों मैंने आपको क्रिया की परिभाषा भी बता दिया है और क्रिया के उदाहरण भी दे दिए। ठीक है, नीचे वाक्य दिया हुआ है, उसमें से हमें क्रिया शब्द को ढूंढना है। जैसे पहला है, भेड़िया जमीन पर बैठा था। तो बच्चों मैंने अभी बताया है ना, जो काम आप करते हो, चाहे उठना, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, वो सभी क्रिया है। तो इस लाइन में आप ढूंढिए क्रिया शब्द कौन सा है। भेड़िया जमीन पर बैठा था, तो बच्चों इसमें क्रिया है बैठा था, यानी बैठना। ठीक है, तो बैठा था हमारा है क्रिया। ठीक है, अब बच्चों इसी बैठा था का यूज करते हुए हमें एक नया वाक्य बनाना है। ठीक है, जिस तरह से पीछे का वाक्य बना हुआ था, भेड़िया जमीन पर बैठा था, तो हमें एक नई लाइन बनानी है। बच्चों वाक्य बनाना भी पिछली वर्कशीटों में हम सीख चुके हैं, बहुत बार हमने वाक्य बनाने बनाए थे, तो हमें इस क्रिया से एक नया वाक्य बनाना है। ठीक है, ऐसी लाइन बनानी है जिसमें बैठा था शब्द का यूज हो। तो बच्चों मैंने तो बनाया है ये वाक्य, शेर पेड़ के नीचे बैठा था। तो जो शब्द हमें दिया होता है ना, वो लाइन बनाते हैं, वो शब्द लाइन में आना चाहिए जरूर। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था, मम्मी पलंग पर बैठी थी, या पापा बैठे थे। ठीक है, अब दूसरा है बच्चों, ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चों हवा चल रही थी, तो चलना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो चल रही थी, यहां पर हमने क्रिया शब्द ढूंढे, चल रही थी, तो चलना क्या है, क्रिया। तो हम चल रही थी से एक वाक्य बनाना है। तो मैंने बनाया बच्चों, कमरे में घड़ी चल रही थी। तो घड़ी तो बच्चों खड़े खड़े टिक 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 करते चलती है ना, तो मेरे को तो बच्चों यही समझ में आया था, मैंने बना दिया है। अगर आपको और कोई आता हो वाक्य तो आप भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे गर्म हवा चल रही थी। अब तीसरा है, दो आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तो चमकना, यहाँ पे ना चमक रही थी, चमकना भी क्या है, क्रिया शब्द है, चमक रही थी। तो अब वाक्य बनाइए जिसमें चमक रही शब्द आए। आसमान में बिजली चमक रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। जो आप पीछे की वर्कशीट देख लीजिएगा, उसमें हमने वाक्य बनाना काफी बार सिखाया है। ठीक है, वह भेड़िए से लड़ रही थी। तो इसमें क्रिया शब्द है बच्चों, लड़ रही थी, लड़ना। लड़ना भी क्या है, क्रिया है, काम ही है ना बच्चों, जो लड़ते हैं उनके लिए तो वो काम ही होता है, वैसे अच्छी बात नहीं है लड़ना। तो अब हमें वाक्य बनाना है,
लड़ रही थी शब्द है, गीता श्याम से लड़ रही थी। अगला है बच्चों, सुमन गीत गा रही थी, तो इसमें क्रिया शब्द है बच्चों गा रही थी, गाना, ठीक है, गाना भी क्या है, क्रिया है, काम है। बाग में कोयल गा रही थी, ये बच्चों हमने बनाया है वाक्य, ठीक है। अगला बच्चों, शानू फल खा रहा था, तो मैंने बनाया बच्चों की, ओ सॉरी बच्चों, पहले तो क्रिया शब्द बताना है आपको, खा रहा था, तो ये क्रिया शब्द है खाना, तो वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। तो अगला है बच्चों, उसने देखा सामने से शेर आ रहा था, तो इसमें है बच्चों क्रिया शब्द है आ रहा था, यानी आना, आना भी क्या है, क्रिया है। राम बाजार से आ रहा था, अगला है बच्चों, चीकू की सांस फूल गई, ठीक है, घबरा जाता है ना जब कोई, तो इसमें आएगा फूल गई, इसमें क्रिया शब्द है फूल गई, तो ये आएगा बैंक में डाकुओं के घुसने से बैंक में डाकुओं के घुसने पर सभी के हाथ पांव फूल गए। तो आप चोर भी बना सकते हो इससे, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। तो बच्चों आज हमने क्रिया सीखी है, क्रिया शब्द ढूंढे हैं, और उन ढूंढे हुए क्रिया शब्दों से नए वाक्य भी बनाए हैं। तो बच्चों आप इस वर्कशीट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। पीछे की जो वर्कशीट है वो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो ग्रामर है, व्याकरण है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप पीछे की सारी वर्कशीटों को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।